हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर स्टडी अब्रॉड पार्टनर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशियन फेडरेशन में लोकेटेड है। अपार्ट ऑफ दैट यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 18 लाख अप्रॉक्स। और यहाँ जो यूनिवर्सिटी का नाम है जो कि उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। और आज यहाँ पर थोड़ा सा माहौल अलग है जस्ट बिकॉज यहाँ पर 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने भी इन्होंने बैनर लगाया हुआ है विक्ट्री डे का। तो इस तरीके से आज हम बहुत सारे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि कब की एस्टैब्लिशमेंट है, आपको यहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए, आपके लिए यूनिवर्सिटी क्यों अच्छी है। हम सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन एंड वी विल कम इन द कंक्लूजन कि आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी चाहिए और आपके लिए ये फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें, अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस यूनिवर्सिटी इज़ 90 ईयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, 1930 की इस्टेब्लिशमेंट है। और ये इस यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे, लाइक ऑलरेडी एक इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी सेकेंड ईयर में एनरोल हुआ है। और बाकी जितने भी पहले, अगर हम रशियन मीडियम की बात करें, कभी यहाँ पर इंडियन कोई आए नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको पासिंग, अगर आप FMG पासिंग रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई FMG पासिंग रेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। बट ये यूनिवर्सिटी आपके एम्बेसी के लिस्टिंग में बहुत पहले से है, लाइक WHO के लिस्टिंग में बहुत पहले से है। और सारे जगह की एक्रेडिटेशन आप जहाँ भी चेक करना चाहें, चाहे वो GMC हो, चाहे ECFMG हो, सभी जगह पर यहाँ की एक्रेडिटेशन आपको मिलेगी। इस एक्रेडिटेशन का फ़ायदा आपके लिए ये रहेगा कि आप जब भी यहाँ से ग्रेजुएट होंगे एज अ डॉक्टर, तो आप किसी भी जगह पे, किसी भी अलग अलग कंट्रीज में आप अपने लाइक लाइसेंस लेकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ की सिटी की, सिटी है येकेटरिनबर्ग और वो फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। 18 लाख की पॉपुलेशन है और यहाँ पर लाइक ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेट्रो, ट्रैम, बस, टैक्सी एज यूजुअल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ इजी टू एक्सेस है और आप कहीं भी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि यूनिवर्सिटी सिटी से काफ़ी दूर होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट यहाँ की एक खासियत ये अच्छी है कि यहाँ का जो हॉस्टल है, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा नियर बाई है, सेंटर पे ही लोकेटेड है। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप हमारे कुछ वीडियोस में देखेंगे भी, हॉस्टल के वीडियोस, जहाँ पर हम हॉस्टल से वॉक करके इस यूनिवर्सिटी डीन ऑफिस के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली कोई क्लासेस वगैरह होती नहीं, यहाँ पर मेन बेसिकली एक डीन ऑफिस है और यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, जितने भी मीटिंग्स वगैरह होती है यहाँ पर होती है। सो यहाँ तक आने में मुझे सिर्फ लाइक 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस लगा और आसपास पूरा सेंटर है। तो यहाँ पर लाइक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आपके सुपरमार्केट, सारी चीज़ें आसपास ही अवेलेबल है। और आप पीछे देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर ये जो एरिया है और ये इसके यूनिवर्सिटी के बैक साइड में जो एरिया है वो है स्टेडियम का एरिया, जो कि अरीना के अरीना बोलते हैं यहाँ पर, वो स्टेडियम है। और ये 2018 में यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था और काफ़ी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसी जगह पे ये फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था रशिया में, जब 2018 में ये चीज़ फीफा वर्ल्ड कप कंडक्ट किया गया था, तो उसमें ये येकेटरिनबर्ग भी था। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सिटी काफ़ी अच्छी है, बड़ी है और इजी टू एक्सेस है फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट हम बात करें, बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन की, अगर हम इंडिया से यहाँ तक आएंगे तो वो ट्रैवलिंग किस तरीके से रहेगा, क्या क्या ऑप्शन हमें मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएगी तो आपके इमिग्रेशन यहाँ पर हो सकते हैं। एक ऑप्शन होता है नॉर्मली, जो बच्चे, सारे बच्चे अडॉप्ट करते हैं जो भी रशिया आते हैं, दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को टू येकेटरिनबर्ग, एक ही ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको इमिग्रेशन ही यहीं पर कराना है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और यहाँ पर अगर आप इमिग्रेशन कराने जाते हैं तो आप दिल्ली से दुबई, दुबई से यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है। और यहाँ टोटल जो जर्नी होती है वो 8 to 9 आवर्स की टोटल जर्नी होती है, और अगर हम आपके लेवर को इंक्लूड करें तो इट विल टेक अप्रॉक्स 14-15 आवर्स, क्योंकि जो भी यहाँ पर लेवर आ रहा है हम देख रहे हैं 3-4 घंटे का लाइक गैप बीच में रखा जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में, लाइक ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। अब सिटी के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आने का सोच रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए सिटी बड़ी है, लिविंग एक्सपेंसेस तो है यहाँ पर लाइक, बट अभी तक हमने जितने भी बच्चों से बात किया है अप्रोक्स 10-15,000 रूबल्स में उनका काम चल जा रहा है। बट अगर आप यहाँ पर मेस ज्वाइन करते हैं तो आपके मान के चलिए $100 आपके खुद के खर्चे हो गए अगर आपको कहीं जाना है। बाकी यहाँ पर ट्रैवलिंग का कोई एक्सपेंसेस है नहीं, सिर्फ आपके अनेटमी की बिल्डिंग के लिए तीन बस स्टॉप क्रॉस करने पड़ेंगे, मतलब आपने बस लिया 33 रूबल्स का यहाँ पर नॉर्मल एक्सपेंसेस है। बट अगर आप स्टूडेंट कार्ड के थ्रू जाते हैं तो आपको 17 रूबल्स का खर्च आता है, तो 17 रूबल्स आपको एक हफ्ते में एक बार खर्च करना है, तो वो एक आपका एक्सपेंसेस रहेगा। उसके अलावा आप कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं पर घूमने वगैरह जा रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस है। तो आई थिंक 6,000-7,000 में इंडियन स्टूडेंट्स का हो जाएगा। मेस का जो चार्जेस होंगे वो मेस में आप पे करेंगे अप्रॉक्स $100-$120 वो होंगे, आपको तीन टाइम का खाना मिल रहा है यहाँ पर। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 10-15,000 में आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी विथ फूडिंग विथ लिविंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। अब डिपार्टमेंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट्स यहाँ पर सारी चीज़ें पास पास है, हॉस्टल से लाइक 300 मीटर अप्रॉक्स होगा जहाँ पर आपके डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अगर आप और थोड़ी दूर चल के आएंगे लाइक 10 मिनट्स का वॉक करेंगे तो आपको एडीन ऑफिस मिल जाता है। तो हर चीज़ यहाँ पर सेंटर पे लोकेटेड, आपके हॉस्टल के नियर बाई है। नेक्स्ट, काफ़ी बच्चों के सवाल आते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो कि लाइक एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बट उनमें एक डाउट आ रहा है कि हम यहाँ पर लाइक हमें कोई सीनियर मिलेंगे नहीं और ये नई यूनिवर्सिटी है। गाइस 90 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं इसको पढ़ाते हुए, बट फॉर द फॉरेन नेशनल, इंडियन नेशनल्स के लिए ये लाइक इस साल से फुल फ्लैश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चालू कर रही है। जस्ट बिकॉज एडमिशन्स तो लास्ट ईयर भी हमारे पास काफ़ी हुए थे, बट यहाँ पर हॉस्टल का इशू था जो कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इशू आया था हमारे पास रिगार्डिंग द लैंग्वेज, वो भी अगस्त में सॉल्व हुआ था, जिसका मैं आपको एक इसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, चाहे आप RTI लगा के एम्बेसी ऑफ इंडिया से पूछ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या नहीं, आपके सारे एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में होगी या नहीं, तो वो भी आप एक चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ की फ़ीस के अफोर्डेबिलिटी की बात करें, काफ़ी बड़ी सिटी है, अगर आप यही लाइक यूनिवर्सिटी मॉस्को में अगर देखते तो आपको पर ईयर का 10 लाख का बजट आता है, बट यहाँ पर 2,62,500 रूबल्स ही आपको पे करना है। सो इट इज़ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, हॉस्टल बहुत नियर बाई है, 42,000 का हॉस्टल है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें हम मिला लें तो आपको यहाँ का जो बजट आता है वो करीबन 20 लाख का आता है। जब आप अपनी फूडिंग के कॉस्ट, आप अपने लाइक मेस के कॉस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं और यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस पूरे 6 साल के इंक्लूड करेंगे, अप्रॉक्स 25-27 लाख आप लेके चले तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा यहाँ पर लिविंग, और सारी चीज़ें आपके लाइक एक बजट में यही आ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, बड़ी सिटी में लोकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस यूनिवर्सिटी के पास 70 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट 2 का एग्जामिनेशन है जो कि पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेशन होगा, क्लिनिकली ओरिएंटेड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे चल के। यहाँ पर कोचिंग की अगर हम बात करें, नेक्स्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन का कोचिंग भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जो कि यूनिवर्सिटी खुद आपको प्रोवाइड करेगी, एंड दैट विल बी डन बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको इंडियन प्रोफेसर से पढ़वाएगी पूरी चीज़ें। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो जर्नी है हम बहुत ज़्यादा ईजी करने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बजट में ही आपके लिए यूनिवर्सिटी है। सो इफ़ यू थिंक, इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि हम यहाँ पर अभी कुछ कमी आ गई होगी हमें देने में, लाइक आपके और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और यू कैन कॉल 9993146778 और 9993416778, ये हमारे ऑफिस के नंबर है, कि जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं ताकि हम आपके सारे डाउट क्लियर करें। एंड फ्रॉम माय ओपिनियन दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप एक लोएस्ट बजट में कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो, और 6 साल की जर्नी आपको लगता है कि आपको 25-26 लाख वाली यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें आपके मेस वगैरह भी सारी चीज़ें आ जाए, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाए, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
Do subscribe our YouTube channel. Until the next video, goodbye, take care. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Shri Ram.